हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडीड पर आप किस तरह जॉब सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बाय प्रोफेशन एक एचआर रिक्रूटर हूं और मोर देन 10 इयर्स की एक्सपीरियंस है हमारी एचआर इंडस्ट्री में। अभी तक की मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की जर्नी में मोर देन 10,000 जॉब सीकर्स के साथ डील कर चुका हूं और अभी भी वीकली 40-50 जॉब सीकर्स के साथ डील करता हूं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जॉब सीकर्स जॉब सर्च को लेकर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी कि जॉब सीकर्स अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब किस जॉब पोर्टल पर सर्च करें। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जॉब सीकर्स कहते हैं कि सर मैंने timesjob.com पर मैंने अपनी सीवी डाली है, मैं वहीं सर्च कर रहा हूं। मैं naukri.com पर किया हूं, मैं वहीं सर्च कर रहा हूं। इवन मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्हाइट कॉलर प्रोफाइल हैं, क्विकर जॉब्स, ओएलएक्स जॉब, फेसबुक पर जॉब सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उनके फंक्शनल एरिया और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जॉब ओपनिंग उसे उस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके फंक्शनल एरिया और इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी जॉब पोर्टल आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक व्हाइट कॉलर में जॉब सर्च कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप मिड लेवल या सीनियर लेवल में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो indeed.com आपके लिए बेस्ट जॉब पोर्टल हो सकती है, क्योंकि indeed.com एक ग्लोबल जॉब सर्च वेबसाइट है। अगर आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इंडिया में आप सीडी बेसिस से जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्री, यूके, यूएस या सिंगापुर में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो भी आप indeed.com पर जॉब सर्च कर सकते हैं। बसंते उसकी कुछ ऑफकोर्स जो भी ओपनिंग होती है उसकी कुछ अब्रॉड के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, आपको उसे फुलफिल करना होगा, वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट मैच करनी होगी, आप उनके लिए प्रॉपर एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जिस भी सिटी में जॉब कर रहे हैं, जिस फंक्शनल एरिया में जॉब सर्च कर रहे हैं, वो आप अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसे फिल्टर करके आप जॉब को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप indeed.com पर अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब किस तरह सर्च कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जॉब सर्च की जो वीडियो है मैं आपको दो स्टेप में देने वाला हूं। फर्स्ट आपको मैं बताने वाला हूं कि आप इंडीड ऐप पर, यानी इंडीड जॉब जो ऐप है, आप उस पर किस तरह सर्च कर सकते हैं, और अगर आप ऐप पे नहीं, अगर आप ब्रॉडवे में डेस्कटॉप वर्जन पे आप चेक करना चाहते हैं, आप वहां से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, और कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी पावरफुल कंटेंट आपको दे सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप इंडीड जॉब सर्च ऐप से आप अपने लिए एक परफेक्ट जॉब किस तरह सर्च कर सकते हैं। आपको इंडीड जॉब सर्च की ऐप को ओपन करनी होगी। सबसे पहले आपको करना होगा साइन इन। ऑलरेडी आप लॉगिन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले आपको लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यह indeed.com की आपकी होम पेज हो गई। ये है ऐप वर्जन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह की आप यहाँ जॉब सर्च करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है जॉब टाइटल और दूसरा है आपको यहाँ पर लोकेशन। तो अभी मैं जॉब टाइटल में यहाँ टाइप कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट मैनेजर। अभी मैं आपको ओनली डेमो पर्पस के लिए शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोकेशन मैंने टाइप किया कोलकाता। अभी आप देखें रिक्रूटमेंट मैनेजर से रिलेटेड, एचआर मैनेजर रिक्रूटमेंट रिलेटेड, इस रिलेटेड टोटल 122 जॉब्स आ चुकी है। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं कि आप 122 जॉब को आप अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिल्टर की ऑप्शन है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ डेट पोस्टेड है 7 डेज, 14 डेज, 3 डेज, 24 आवर्स, आप इसे जो भी फिल्टर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 3-7 डेज आप जरूर करें। यहाँ पर है जॉब कैटेगरी, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर सैलरी। जो भी अभी आपकी करेंट सैलरी है, यानी जो भी आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी सैलरी के बेसिस से इसे आप फिल्टर कर सकते हैं। अभी मैं एज एग्जांपल 32,500 मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद ऑप्शन है अप्लाई मेथड, दो ऑप्शन होती है ऑल जॉब्स एंड ईजी अप्लाई। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑल जॉब्स पे को क्लिक करें।
जॉब टाइप या फुल टाइम या फ्रेशर, और एक ऑप्शन आते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम। अभी हो सकती है पार्ट टाइम के लिए कोई भी जॉब पोस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसे करूँगा फुल टाइम। आप इसे एजुकेशन लेवल के से भी आप इसे फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतनी ज़्यादा फिल्टर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आप देखें जहाँ पर 122 जॉब्स थी, अभी मुझे टोटल 5 जॉब आ चुकी है। तो अब जो भी आपको जिस भी जॉब को आपको अप्लाई करना है, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पहले देखें। अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है HR मैनेजर फीमेल। तो आप समझ सकते हैं यह जो एम्प्लॉयर है इस पोजीशन के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं, तो अभी मैं उस पर एप्लीकेशन नहीं करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाइंट मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। तो अब आप देख सकते हैं मैं अभी आपको, हालांकि ये सारे जॉब ओपनिंग में मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको डेमो पर्पस के लिए अभी आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव की। अगर आपके पास अभी टाइम ना हो, आप चाहते हैं कि यह एप्लीकेशन आपके रिलेवेंट है, तो आप इसे अभी सेव करके रख सकते हैं। आप जब भी आपको टाइम हो, आप घर पहुँच के, आप हो सकते हैं अभी ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में हो, आप इसे बाद में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसे ओपन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो यहाँ पर इसकी आप जॉब डिटेल देख सकते हैं, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है आप इसे प्रॉपरली चेक करें। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली चेक करें और अपनी CV को जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक रेडी करें, फिर उसे अप्लाई करें। ऐसा तो नहीं कि आपने एक CV रेडी किया और सारी जगह उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर कॉल फॉर इंटरव्यू, इस एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके आप इसे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखें ऑलरेडी अब मैंने एक अपनी CV Indeed.com पर बना कर रखी है, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड रिज्यूमे, तो आप अपलोड रिज्यूमे पर भी क्लिक करके अपनी CV अपलोड करके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आपको यह फिलअप करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है 2 to 3 डेट्स फॉर द इंटरव्यू, तो आप इससे आपकी जो भी रिलेवेंट इंटरव्यू के लिए डेट है आप उसे यहाँ फिलअप कर दें, आप इसे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल है, यह मैंडेटरी नहीं है। फिर इसे करेंगे आप कंटिन्यू। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई विदाउट रिलेवेंट, यहाँ पर ऑप्शन है ऑलरेडी मैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुका हूँ, तो इसे आपको करना होगा कंटिन्यू। फिर यहाँ पर होगा अप्लाई विदाउट कवर लेटर एंड अप्लाई विद कवर लेटर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई करें तो अपनी कवर लेटर जरूर ऐड करें। मैं यहाँ ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में कवर लेटर ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर अभी ऑटोमेटिकली यह आ चुका है। अगर या तो आपकी कोई वर्ड फाइल या PDF फाइल हो तो आप यहाँ से अपलोड फाइल करके आप इसे अपनी कवर लेटर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन को रिव्यू करने का ऑप्शन है, मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रिव्यू कर सकता हूँ। अगर इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करना हो, आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है या तो कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आप इसे यहाँ पर बैक जाकर आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप की हुई है, मैं इसे अब कर सकता हूँ यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन। तो चलिए मैं इसे सबमिट करती हूँ। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गई, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो इस तरह आप ऐप वर्सन के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेब वर्सन की तरफ, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से Indeed.com पर किस तरह जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको Indeed की वेब वर्सन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने लिए किस तरह जॉब सर्च करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह फीचर Indeed मोबाइल ऐप पर दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं वेब वर्सन में इसकी डिटेल आपको प्रॉपरली दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यह समझें कि Indeed पर दो तरह की जॉब होती है, Indeed पर दो तरह की जॉब पोस्ट की जाती है। वन होती है इजी टू अप्लाई, यानी कि जो जिससे कि आप Indeed पर ही अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी होती है अप्लाई ऑन द कंपनी साइट, यानी कि वह जॉब पोस्ट जरूर Indeed पर की गई है, लेकिन अगर आप उसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, यानी कि उस कंपनी की करियर पेज पर जाकर आपको अप्लाई करनी होती है। तो चलिए मैं आपको दोनों प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने LinkedIn प्रोफाइल पर लॉगिन करना होगा।
तो अभी मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दो जॉब पर मैं अभी आपको अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है जॉब टाइटल कीवर्ड्स एंड कंपनी, यानी जो भी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं यहाँ पर आप उसे टाइप कर सकते हैं, और जिस लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं आप उसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इवन आप अगर आप एब्रॉड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप वो भी लोकेशन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इंडिया में जॉब अप्लाई करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये मैं सबसे फर्स्ट मैं अभी कर रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजर। आप एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पर अपनी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो कीवर्ड ऐड कर चुका हूँ, मार्केटिंग मैनेजर एंड ब्रांड कम्युनिकेशन मैनेजर। मैं लोकेशन यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र, फाइंड जॉब। तो यहाँ पर देखें मुझे जो टोटल जॉब पोस्ट मतलब अभी तक में जो इंडीन मुझे शो कर रही है 2621। अब आप जरा सोचें कि क्या यह कभी पॉसिबल है कि 2600 जॉब पर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह जॉब एप्लीकेशन आपको फिल्टर करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो फिल्टर ऑप्शन है यहाँ पर है डे वाइज, यानी कि आप कोशिश करें 3 to 7 days आप सेलेक्ट करें, यानी कि ऐसी जॉब एप्लीकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं जो अभी लेटेस्ट विद इन 7 days जॉब पोस्ट की गई है। उसके बाद यहाँ पर है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, जो भी अभी आपकी करंट सिटी से है या फिर जो भी आपके एक्सपेक्टेड सिटी से, आप उस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जॉब टाइप में यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, आप किस तरह की जॉब चाहते हैं आप उसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर है एजुकेशन लेवल, आप इन सारे बेसिस से आप इसे प्रॉपर फिल्टर करें। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इसे कैसे फिल्टर कर सकता हूँ 7 days और अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन के वाइज के बेसिस से और एजुकेशन लेवल के बेसिस से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने इसे फिल्टर किया है अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस से तो अभी मुझे ओनली 40 jobs अभी शो कर रहे हैं। तो इस 40 jobs में से जो भी आपकी प्रोफाइल के मुताबिक जो भी रिलेवेंट जॉब है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक जॉब आपको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ जिसे मैनेजर ब्रांड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, तो आप जब भी किसी जॉब में अप्लाई करें तो सबसे पहले आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली चेक करें और अपनी CV को जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप रेडी करें, उसके बाद आप उसमें अप्लाई करें। आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आपने एक CV रेडी की और उस CV को आप सारी जॉब एप्लीकेशन में आप सबमिट किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली चेक करें और उससे आप अप्लाई करें। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव, हो सकता है अभी आप ऑफिस में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, अभी आपने यह जॉब पोस्ट देखी लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं आप इसे अप्लाई कर सकें, तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं और आप इसे बाद में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस जॉब ओपनिंग को मैं आपको अप्लाई करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसके लिए मुझे क्लिक करना होगा अप्लाई नाउ। तो जैसे मैंने क्लिक किया अप्लाई नाउ तो यहाँ पर मुझे एक न्यू पेज ओपन हो चुकी है और जो भी इसके स्क्रीनिंग क्वेश्चन है मुझे इसे फिलअप करना होगा। तो जो भी यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए जो भी यहाँ पर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है मुझे उसे फिलअप करनी होगी। तो अभी मैं उसे फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फिलअप किया टोटल एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक ऑप्शन है आप 2 to 3 days आप यहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसे दे सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस मैंने यहाँ मेंशन किया 3 years, आप क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, जो भी आपकी डिग्री हो आप उसे यहाँ फिलअप कर सकते हैं और इसे कंटिन्यू। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है इंडीड रिज्यूमे, यानी कि आपने अगर इंडीड पर अपने रिज्यूमे क्रिएट करके रखा है तो आप उसे भी उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं या तो आप अपनी CV यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इंडीड आपको रिकमेंड करता है कि आप इसके थ्रू अप्लाई करें कि आपने जो इंडीड पर रिज्यूमे बनाई है आप उसके थ्रू अप्लाई करें। तो अगर आप इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और मैं अभी उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर चेक करें तो यह ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं अभी इंडीड अपने रिज्यूमे के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ऑलरेडी हमारी रिज्यूम यहां पर अपडेट है तो मैं करूंगा कंटिन्यू। यहाँ पर जो भी प्रीफिल्ड ऑप्शन ऑलरेडी मैंने पहले ही इसे फिलअप किया है तो यहाँ पर प्रीफिल्ड ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो आप इसे, और यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई विदाउट कवर लेटर एंड राइट अ कवर लेटर और अपलोड फाइल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी एक कवर लेटर जरूर ऐड करें। तो यहाँ पर आप अपनी कवर लेटर ऐड कर सकते हैं, मैं पहले से ही कवर लेटर ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पर यह शो कर रहा है। या फिर आपके पास कोई सॉफ्ट फाइल हो तो आप, मैंने अपनी प्रोफाइल देखिए, प्रोफाइल के लिए अपनी कवर लेटर पहले से रेडी किया हूँ तो यहाँ पर इस तरह की आप कवर लेटर आप अपलोड कर सकते हैं।
तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करूंगा। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो आप उससे एक बार प्रॉपरली रिव्यू कर लें, जिससे कि अगर आपको कोई नेसेसरी चेंजिंग करनी हो, हो सकता है कोई आपसे मिस्टेक हो गई हो, तो आप किस स्टेज पर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं और उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं करूंगा इसे सबमिट योर एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया, अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और इसकी नोटिफिकेशन अलर्ट मुझे मेल पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मुझे एक नोटिफिकेशन अलर्ट मेल मुझे मिल चुकी है। तो इस तरह जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको भी एक नोटिफिकेशन की मेल आपको आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसी जॉब पोस्टिंग पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जो कि कंपनी की करियर पेज पर जाकर आपको अप्लाई करनी होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन, एक जॉब पोस्ट की है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर। आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रॉपरली चेक कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की साइट पर आपको उसकी कंपनी की साइट पर जाकर आपको अप्लाई करनी होगी। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए मैं प्रोसेस करता हूँ तो यह मुझे एक न्यू पेज यानी उस कंपनी की पेज पर, करियर पेज पर मुझे रिडायरेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने क्लिक किया अप्लाई नाउ तो आप देखें कि यहाँ पर मुझे एक न्यू पेज ओपन हो चुकी है, यानी अब मुझे इस कंपनी की साइट पर मुझे अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और इसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन आप दो तरीके से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एक है इजी टू अप्लाई और एक है अप्लाई ऑन कंपनी साइट। और यहाँ पर माई जॉब में आप जाकर आप कि आपने कितनी जॉब को आपने अप्लाई किया है और कितनी जॉब आपने सेव की है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपने जितनी भी जॉब पर आपने एप्लीकेशन की है आप इसे अपने माई जॉब पेज पर चेक कर सकते हैं। और आप इस अप्लाइड ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं आपने कौन कौन सी जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन की है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है इंटरव्यू। आप अगर कोई भी हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर अगर यहाँ पर जो भी स्टेटस अपडेट करते हैं तो आपको इस इंटरव्यू ऑप्शन में शो करेगी। मैं आशा करता हूँ कि इंडीड जॉब सर्च से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश मैंने की है। अगर इसके बाद भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका फीडबैक हो या फिर अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँ। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है आपको वह समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देखें अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में और अपने ऑफिस कलीग को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि उसे भी जॉब सर्च करने का प्रॉपर गाइडेंस उसे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।